यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा सा रुकेंगे, देखते हैं। ये देखिए, ये नेचुरल केव है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थरों से बना हुआ है और पानी के धार से यहाँ पे केव बन जाता है, जो कि कुछ अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ पर जाना मना किया है। अंदर तक आप देख पा रहे हैं, वाह बहुत ही सुंदर। अभी मैं आपको नज़दीक का व्यू लेके चलता हूँ। अंदर की तरफ बॉम्बू से यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है कुछ। देखो कितना क्लीन वाटर है, नीचे की चीज़ें हमें पूरी तरीके से दिखाई दे रही हैं। देखो ये जहाँ पे हम लोग आए हैं इसे बोलते हैं ब्लू लैगून। आप देखो कितना शुद्ध पानी है। यहाँ पर हमने स्पेशल एक अलग से फेरी लिया है जो कि इस तरह से फीफी आइलैंड्स लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कितना शुद्ध और कितना स्वच्छ वातावरण है यहाँ पर। चारों तरफ शांति है, केवल मशीन जो कि नाव चलता है उसकी आवाज़ें आ रही है और स्टीमर की आवाज़ें आ रही है। पानी यहाँ पर आर पार देखा जा सकता है आपको, मैं नीचे दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल फिश जो चल रहे हैं छोटे छोटे वो भी दिखाई दे रहे हैं आपको। मैं जूम करके कुछ फिश दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। और नीचे की सतह भी दिखाई दे रही है, पूरा सतह इतना साफ पानी है। सुंदर, बहुत ही अच्छा, चारों तरफ का वातावरण देखो। हम लोग वहां से आए थे अभी, ब्लू लैगून। व्हाट इज द नेम? ब्लू लैगून, राइट? ओके, वेरी ब्यूटीफुल। खाते हैं एक सुंदर सा बीच फीफी आइलैंड पे, जो कि बहुत ही साइड में है। आपको अलग से बुक करना पड़ेगा तभी आप देख पाओगे इस चीज़ को। ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं, बट आप देख, जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग आए भी हैं। ये देख लो सुंदर सा नज़ारा प्रकृति का, वाह ऑसम। शुद्ध पानी, स्वच्छ जल, समुद्र का यहाँ पर किसी को नहाना अलाउड नहीं है जैसा कि हमें बताया गया है। और यहाँ पर सार्क
और सार्क की प्रोडक्शन करने के लिए सही इन्वायरमेंट हो, ऐसी व्यवस्था थाईलैंड गवर्नमेंट ने किया है। इसलिए आप देखिए यहाँ पर आपको कोई भी नहाता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसका कई कारण हो सकता है, हो सकता है सार्क आता हो, और दूसरा चीज़ है कि कपड़े में केमिकल्स होते हैं, लोग आजकल स्किन में भी केमिकल लगा के चलते हैं, तो इससे बचने के लिए ये व्यवस्था की गई हो। सुंदर, समथिंग लाइक दैट, यस यस यस, नाउ ओके, कोकोनट आइसक्रीम। हाउ टू मेक कोकोनट आइसक्रीम, सी दिस ऑल ऑफ द कोकोनट, डीप फ्रिज कोल्ड एंड देन पुट हियर आइस क्यूब, ओके, दैट इज ऑल्सो मेड विद द कोकोनट, सेम ओरिजिनल, ओके, एंड देन यू पुट हियर, राइट, दैट्स ऑल, एंड टॉपिंग, टॉपिंग यू कैन डू एज पर योर चॉइस, ओह एज पर योर चॉइस, यस दैट्स ग्रेट, गुड गुड गुड, चेक, आई शो यू हाउ इट इज, कोकोनट आइसक्रीम इन फिफी एट फिफी आइलैंड, सी व्हाट यू आर डूइंग, मेक आइसक्रीम, ओह ओके, टू पर्सन, टू, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी लोग हैं ना वो बोट से आते हैं अपने लगेज के साथ फिफी आइलैंड पे, जो कि एक रात दो रात रुकना चाहे वो यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं होटल लेकर के, और यहाँ पर फिफी आइलैंड पे सपोर्ट सिस्टम है, ये मैप आप देखो इस तरह से मैप है थाईलैंड का, और वहाँ पर बताया गया है, वाह अच्छा लग रहा, पानी भी क्लीन है यहाँ पे, इन्होंने ध्यान रखा है, थोड़ा सा गंदगी ज़रूर है बट फिर भी मैं मानता हूँ कि इंडिया में ऐसा सी वाटर कहीं भी नहीं है, इतना क्लीन, ग्रीनी और ब्लूइश, जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना ब्लू होगा और ग्रीनिश होगा। आप देख पा रहे हैं फुकेत का जो फिफी आइलैंड है उसका दूसरा साइड, एक साइड ने आपको दिखला दिया मैंने पूरे के पूरे, यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अच्छे सीन है, वहाँ ले जाने के लिए लॉन्ग टेल बोट काफ़ी फेमस होते हैं जो कि कहीं भी जा सकते हैं, दो पहाड़ों के बीच में छोटी सी जगह में भी ये घुस जाता है, इसलिए लॉन्ग टेल बोट का उपयोग किया जा सकता है। और फिर इधर आपको मैं लॉन्ग टेल बोट बहुत सारे दिखा सकता हूँ, फिफी कोजी सुपर फ्रंट रिसॉर्ट, इफ यू वांट टू गो यू कैन बुक टिकट्स हियर, ये देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा, यहाँ पर जो बोट आके दूसरे जगह से रुकते हैं, यात्रीगण उतरते हैं और फिर अपने अपने होटल गंतव्य की तरफ चल देते हैं। ये देखो यहाँ पे हार्बर बना हुआ है जो कि चारों तरफ से बोट आ करके रुकते हैं और यहाँ से उतर करके वो आगे की तरफ यात्रा को ले जाते हैं। हाँ, फिफी आइलैंड का मार्केट देखो, छोटा सा गली समुद्र के किनारे से लगा हुआ, और ये कोकोनट 60 और 80 बात का, वेरी नाइस, वेरी गुड, एक छोटा सा मार्केट है जहाँ कि आप कुछ सोवनियर खरीद सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, कुछ लॉटरी भी खरीद सकते हैं, चलो खर्चा किए हैं वो वापस ले लो, और हॉस्टल्स है जहाँ कि आप सस्ते में रुकना चाहें तो नचा हॉस्टल फिफी, और यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे सामान जो आपको चाहिए वो सारी ज़रूरत के हिसाब से आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। बस देखो इधर के गलियों में घुस जाओ या इधर की, दोनों तरफ आपको वैसे ही बाज़ार मिलेंगे,
दोस्तों को गिफ्ट देना है, बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा शर्ट, ऐसा पैंट, ऐसा बैग और टोपी तो बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वालिटी के हैं। चलिए, वेरी ब्यूटीफुल फिफी आइलैंड, द अपोजिट साइड ऑफ द फिफी आइलैंड इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट सी, या समटाइम द पीपल से जेम्स बॉन्ड रॉक, बट दिस इज नॉट एक्चुअली जेम्स बॉन्ड रॉक, दैट इज सेपरेट आइलैंड। यू सी हियर, वेरी ब्यूटीफुल, कूल एंड काम। फिफी आइलैंड पे हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, यहाँ का पानी शुद्ध ग्रीनिश ब्लूइश, जैसे जैसे डिप में आप जाओगे ब्लूइश दिखेगा और जैसे जैसे छिछले की तरफ रहोगे वहाँ पे ग्रीनिश दिखेगा। देखो कितने सारे बोट और कितने सारे टूरिस्ट, यहाँ पर सब चीज़ फिफी आइलैंड में मिल जाएगा आपको, खाने पीने के सारे सामान के साथ। और मैकडोनल्ड्स भी यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है, जो कि ऐसे बाकी पिज्ज़ा और बाकी सारी चीज़ें खाने पीने के सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, देखो फिफी हार्बर व्यू होटल, यहाँ पे आप रुक सकते हो अगर पहले से आपने बुकिंग कराई हुई है तो। द इंटरनेशनल मेडिकल क्लिनिक, पीपी इंटरनेशनल डेंटल क्लिनिक एंड ए टूर एजेंट, लंच वफे यहाँ पे मिल जाएगा, फिफी हार्बर व्यू होटल और बहुत कुछ, पाइनएप्पल होटल जहाँ की सारे तरह के इंटरनेशनल खाने इंडियन सब चीज़ मिल जाएगा। इसके पीछे में दूर में अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो दिखाऊँ, फिर से आपको समुद्र का व्यू दिखाई दे रहा होगा। तो ये बीच में आइलैंड ही है पूरा का पूरा, और यहाँ पर लोग आते हैं, घूमते हैं, मज़े करते हैं और फिर से मिलने का वादा करके चले जाते हैं। तो हम फिर से मिलते हैं दोस्तों, चलिए। Thank you.